अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ अर्शिया, योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रियल स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज। टुडे आवर टॉपिक इज़ एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन इज़ द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स अकर फॉर्म एल्डिहाइड एंड एसिड एल्डिहाइड पॉलीमराइज इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। When they catalyze this reaction, then the formation of formaldehyde and metaformaldehyde and paraaldehyde formation is occurred. So let's start the topic. फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिडल्डिहाइड, इसका क्या मतलब होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिडल्डिहाइड कैसे रिएक्ट करते हैं? मतलब आपको पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड के पास ओनली वन हाइड्रोजन होती है और एसिडल्डिहाइड के पास एक साइड पर हाइड्रोजन और दूसरे साइड पर मिथाइल ग्रुप होता है। जब ये रिएक्ट करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ऑफ थ्री मॉलिक्यूल्स होती है, क्योंकि जब साइक्लाइजेशन होती है तो सिक्स मेंबर रिंग बनती है। अब जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पर थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जब कंबाइन होते हैं, मीन्स आपस में ही पॉलीमराइजेशन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आपस में ही ये क्या करते हैं कि ये साइक्लाइज हो जाते हैं, साइक्लाइजेशन हो जाती है पॉलीमराइजेशन के रिजल्ट में, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिटाल्डिहाइड के फॉर्मेल्डिहाइड का मेटाफॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, वो ये है मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। अब ये देखिए, सिक्स मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6। अब क्यों सिक्स मेंबर रिंग है? सिक्स मेंबर रिंग बहुत स्टेबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू फाइव मेंबर और सेवन मेंबर रिंग, क्योंकि सिक्स मेंबर रिंग में जो एंगल की टॉर्शन होती है, मींस के एंगल की जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, एंगल जो डेविएशन होते हैं, सारे के सारे यहाँ पर आके मैक्सिमम इनकी सारी की सारी ऐसी हिंड्रेंसेस कम हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी केस में अगर लेते हैं, हमारे पास है इट इज़ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के भी थ्री मॉलिक्यूल्स जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेंगे, सिक्स मेंबर रिंग बनेगी, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड बनेगी। तो सब्स्टिट्यूटेड जो सिक्स मेंबर रिंग बनती है वो क्या बना देती है? पर एल्डिहाइड। अब यहाँ पे भी देखिए, सिक्स मेंबर रिंग बनी है तो मिथाइल यहाँ पर ऐसा सब्स्टिट्यूट अटैच्ड है, तो ये पर एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विद एल्डिहाइड। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स जो एल्डिहाइड के साथ फॉर्मेशन करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम डेरिवेटिव्स। अब अमोनिया के डेरिवेटिव डिफरेंट हो सकते हैं, NH2 के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, तो इसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं जो इसके साथ अटैच हो सकते हैं, तो उनके साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो ये रिएक्शन की फॉर्मेशन होती है, और ये रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन होता है या एलिमिनेशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होता है। यहाँ पर लॉस ऑफ वाटर के रिजल्ट में डबल बॉन्ड बनता है जो कि इमीन की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जो यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ कि एक जो कंडेंसेशन रिएक्शन का रिजल्ट बना। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका हम प्रॉपर मैकेनिज्म भी देखेंगे नेक्स्ट में कि क्यों किस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे देखें कि एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ पे गिवन है, कार्बोनाइल कार्बन है। जब ये अमोनिया डेरिवेटिव्स अटैक करते हैं थ्रू देयर लोन पेयर, ये अटैक करते हैं कार्बन पे, कार्बन जहर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर देता है टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि ऑक्सीजन है, जिसके रिजल्ट में ओ नेगेटिव होता है। ओ नेगेटिव इसका प्रोटॉन जहर है, यहाँ पर NH2 एंड जी के साथ इसके ऑलरेडी थ्री बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर करेगा तो फोर बॉन्ड हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ओ नेगेटिव इस प्रोटॉन को पिक करके इसके चार्जेस को नॉर्मल कर देगा। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन में हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन आयन हैं, तो वो जब आपस में रिमूव होंगे, वाटर रिमूव होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन एंड साथ में कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी और इसके डेरिवेटिव होंगे। अब हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाइड्रोक्सिल अमीन यहाँ पे जब SNL है तो वो भी अमीन्स यहाँ पे NH2OH मीन्स के यहाँ पर क्या है, आप इसके साथ हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अमोनिया डेरिवेटिव्स को के अलावा दूसरा जब हम देखते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं।
अब ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, ओ एच अमीन के साथ अटैच है, तो जब ये रिएक्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये अपने ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करें या ये अपने नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू अटैक करें। अब जाहिर है ये यहाँ पर जो रिएक्टिव साइट आ जाती है वो नाइट्रोजन की आ जाती है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो कि कार्बन है, उस कार्बन को देता है और प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है जो कि इथेन अल्कोक्साइम बनता है। अल्कोक्साइम कैसे बनता है, यहाँ पे एज ये ऑक्साइम ग्रुप बन जाता है, अल्काइल ग्रुप है और ये ऑक्साइम ग्रुप बन जाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एसीटोन लेते हैं वो भी सेम रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन और ये अल्कोक्साइम बनाएगा। तो यहाँ पे ये क्या, जैसे थ्री कार्बन है तो प्रोपानोन ऑक्साइम बनता है। प्रोपानोन ऑक्साइम क्यों बनता है, क्योंकि ये एल्कीटोन था तो प्रोपानोन ऑक्साइम बना है, जबकि ऊपर वाला जो एल्डिहाइड था तो ये इथेनल ऑक्साइम बना। बाकी ये हम लोगों ने यहाँ तक आज रिएक्शन पढ़े हैं, कल का भी आज लेक्चर इंक्लूडेड है इसमें, आप लोगों ने जो पढ़ा है कल का भी लेक्चर इंक्लूडेड है। अब आप लोगों के जो सेल्फ असेसमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल आपने ख़ुद से ट्राई करना है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन का मैकेनिज़म करने की, खुद से कोशिश करनी है, क्योंकि अब आप देखें जैसे ऊपर वाला मैकेनिज्म हुआ है सेम वही चीज़ें, आपको दो तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन हो किस साइड से रहा है, मीन्स के न्यूक्लियोफाइल कौन सा और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। अब वो ऑलरेडी आपको बताते हैं कि ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल एक सेंटर कार्बन है जो कार्बन आयल का, तो एंड पर इथेनल ऑक्साइम बनना है या मेथेनल प्रोपेनल ऑक्साइम बनता है। आप लोगों का जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो आपके पास ब्यूटेनॉन होना चाहिए। ओके थैंक यू क्लास, अब सब लोगों को ये समझ आ गई हो, नहीं तो देन हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे फेस टू फेस क्लास। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।